दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश की पावन नगरी जिसे हम अयोध्या जी के नाम से जानते हैं, अभी हाल ही फिलहाल में लता चौराहे का निर्माण जो लगभग 7.9 करोड़ की लागत से हुआ, काफी सारी चर्चा का विषय बना हुआ है। चौक पर 14 टन वजनी वीणा की मूर्ति स्थापित की गई और वीणा की लंबाई 10.8 मीटर और ऊंचाई तकरीबन 12 मीटर है। कांसे और स्टील से महीने से बनी हुई इस वीणा की अगर बात करें, एक सुनार ने इसे डिजाइन किया लगभग एक महीने पर। और आज इसी अयोध्या नगरी से जुड़े एक ऐसी शख्स की कहानी आपके साथ बयां करना चाहता हूं, जिसे हम इंडियन आइडल के उस गीत के साथ जानते हैं। जी हां, ऋषि सिंह, जिसके पहले ही गाने पर झूम उठे हमारी सारी जजेस टीम, यानी नेहा, विशाल या हिमेश रेशमिया जी की बात करें, सभी के सभी झूम रहे थे। शहर के ख्वासपुरा गुरुद्वारा गली के ऋषि सिंह की आवाज जब पूरी दुनिया में सुनने वाली है, यानी 19 साल का ऋषि सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इंडियन आइडल 13 के सीजन में टॉप 15 में जगह बना चुके हैं। हालांकि इस शो की बात करें, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और टॉप 15 प्रतिभागियों में ऋषि ने अपना पहला गाना प्यार जो गाया, मंच पर बैठे बॉलीवुड के टॉप म्यूजिशियन ने सुर सम्राट विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कर झूम उठे। और जैसा कि आप सभी को बता दूं कि अयोध्या का रहने वाले इन तीनों जज कुर्सी से उन्हें उठ खड़े हुए हाथ जोड़कर बोले जय श्री राम। नेहा कक्कर ने यहां तक भी कहा कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अयोध्या घूम कर आऊं। वैसे आपको रोका किसने है, ये पवित्र पावन नगरी पर कौन भला नहीं आना चाहता। वैसे जनपद वासियों के हर्ष का माहौल की बात करें तो बड़ा प्राउड होता है। ऋषि की बात करें, छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इंडियन आइडल के 2019 में इससे पहले जाने का प्रयास किया था, लेकिन सिर्फ टॉप 13 में जगह बना पाए थे। उस दौरान संगीतकार अनु मलिक व अन्य जजेस की तरफ से उन्हें गोल्डन कार्ड दिया गया था। इस बार राष्ट्रीय स्तर का पहला ऑडिशन दिल्ली में हुआ था, जिसमें देश भर से लगभग 9000 से भी ज्यादा प्रतिभागी शामिल रहे। फिलहाल ऋषि के इस बेहतरीन सी गायकी के तो हम भी कायल हुए। और ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने इस YouTube चैनल के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो ऐसी जानकारियों के लिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, हमारे इस ऋषि सिंह जी के लिए ऑल द बेस्ट बोलना भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी हमारी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।